जो निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी, सेवा करने वाले डॉक्टरों को ब्लैकमेल कर करके घोर निंदनीय कार्य किया है, उसको ब्लैकमेल करने से उसने आत्महत्या की। उनके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या प्रकरण में ब्राह्मण समाज के संगठनों ने एकजुटता की ठोकी ताल। घटना में लिप्त नेताओं व पुलिस के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा ज्ञापन। लालसोट के आनंद हॉस्पिटल में गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या प्रकरण में अब ब्राह्मण समाज के संगठनों ने एकजुटता की ताल ठोककर अपने गुस्से का इजहार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। पुष्कर उपखंड कार्यालय में शुक्रवार दोपहर सर्व ब्राह्मण समाज अजमेर जिला शाखा पुष्कर के बैनर तले ब्राह्मण समाज के प्रबुद्धजनों ने उपखंड कार्यालय के नाजिर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर त्वरित न्याय की मांग उठाई। ब्राह्मण संगठनों ने मांग की है कि मामले में माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए लालसोट पुलिस के थाना अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक व्रत लालसोट द्वारा डॉक्टर अर्चना शर्मा और उनके परिवार पर अनावश्यक दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से डॉक्टर अर्चना ने खुदकुशी जैसा कदम उठाकर अपनी बेगुनाही साबित की। लिहाजा इस प्रताड़ना में लिप्त पुलिस अधिकारियों, नेताओं व पत्रकारों की गिरफ्तारी की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष सूर्य नारायण पाराशर, पंडित कैलाश नाथ दाधीच, अखिल भारतीय पाराशर ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण बाबू, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, विष्णु प्रसाद पाराशर, रघु पारिक, दामोदर मुखिया, गोविंद पाराशर, अशोक कुमार पाराशर, चंद्रशेखर शर्मा, जितेंद्र उर्फ हल्दर पाराशर, ओम प्रकाश पाराशर, राजकुमार पाराशर, राहुल पाराशर, विकास मुखिया, नवल किशोर पाराशर, संजय जोशी, बालकिशन पाराशर, कमल रामावत, दिलीप शर्मा, सुरेंद्र राजगुरु, कमल सर सहित कई सर्व ब्राह्मण समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। डॉक्टर अर्चना को जय मिले। डॉक्टर अर्चना को जय मिले। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। अर्चना शर्मा जो गोल्ड मेडलिस्ट थी और हमारे ब्राह्मण समाज की कोहिनूर थी, आज ब्राह्मण समाज ने एक होनार बच्ची को खोया, मतलब जिसका दुख पूरे ब्राह्मण समाज को है। जो जिन्होंने भी ऐसा वो किया है, मतलब जो पुलिस ने दबाव डालकर 302 का जो मुकदमा दर्ज किया, उसके कारण वो इतनी सहम गई कि उसको आत्महत्या करना पड़ा। उसके दो बच्चे हैं, तो सर्व ब्राह्मण समाज चाहता है कि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ऐसा कर्म बाद में कभी नहीं हुए। ब्राह्मण महासभा पुष्कर दोसा में, लालसोट में जो डॉक्टर अर्चना शर्मा जो निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी, सेवा करने वाले डॉक्टरों को ब्लैकमेल कर करके घोर निंदनीय कार्य किया है, उसको ब्लैकमेल करने से उसने आत्महत्या की। उनके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। भगवान भी माफ नहीं करेगा ऐसे दुष्कर्म करने वालों को। तो सरकार को भी ये चाहिए कि कठोर कदम उठा करके निष्पक्ष जाँच करा करके उनके दोषियों को सजा दिलाए।